नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल PS मोटोब में। तो गाइज, फाइनली द ऑल न्यू टोयोटा रूमियन 2022 इज हेयर। और मैं आपको बता दूं भाई कि मारुति की जो अर्टिगा है अब आपको नए अवतार में देखने को मिलेगी इन द टोयोटा शोरूम्स। इस साल 2022 में आपको मारुति अर्टिगा तो नए फेसलिफ्ट में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी, बट टोयोटा वाले भी 7-सीटर अर्टिगा को एक्वायर करने जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से भाई आपको बिना वेटिंग के ये गाड़ी अब आराम से मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। तो भाई टोयोटा रूमियन 7-सीटर की सारी जानकारी आपको हमारे चैनल में ज़रूर मिल जाएगी। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PS मोटोब, ताकि हम आपको ऐसे और बढ़िया बढ़िया डिटेल्स, द लेटेस्ट डिटेल्स देते रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई कि क्या हमें इस गाड़ी में इंजन स्पेक्स सेम देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं, जैसे मारुति ने अपने दो सेगमेंट्स यानी बैलेनो और आपके विटारा ब्रेजा को टोयोटा की बैजिंग लगवा के कंपनी सेल कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि भाई अर्टिगा भी अब सीधे आपको टोयोटा के शोरूम्स में देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि मारुति आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर की ही वारंटी देता है, जबकि भाई टोयोटा जो है आपको 5 ईयर्स अलॉन्ग विद 1 लाख ईयर की वारंटी देगा, जो कि भाई बिना किसी एक्सटेंडेड वारंटी के चार्ज से होगी। लेकिन प्राइसेस की बात करें तो भाई आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बहुत सा डिफरेंस मेरे हिसाब से ज़रूर देखने को मिल जाए। और बेस मॉडल जो LXi आता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, वो भी शायद आपको अर्टिगा जो है एज अ टोयोटा रूमियन इन द शोरूम ज़रूर देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्या इस गाड़ी का इंजन स्पेक्स वगैरह सेम रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं भाई, सच में आपको 1.5 लीटर का पूरा पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। भाई CNG आपको जो है टोयोटा के शोरूम्स में नहीं देखने को मिलेगी, मैं अभी कंफर्म कर दे रहा हूं। बाकी आपको यहां पे इंटीरियर का ऑल न्यू डिज़ाइन, मतलब जो अपोस्ट्री वगैरह है वो आपको की और बदली हुई मिलेगी। जो आप देख पा रहे हो भाई, ब्लैक कलर की अपोस्ट्री मिलेगी, जबकि अर्टिगा में आपको वाइट कलर की दी जाती है, सॉरी वाइट क्या कह रहा हूँ, बेज कलर की। और फ्रंट में आपको दिखा दूँ तो भाई फ्रंट आप देख सकते हो भाई, कुछ टोयोटा रूमियन का कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पे ग्रिल पे ही चेन देखने को मिलेगा और स्टेयरिंग वगैरह पे, अलॉय व्हील्स वगैरह पे टोयोटा की ही बैजिंग देखने को मिलेगी। और हमारे हिसाब से भाई कैप्टन सीट्स का फुल चांस है कि आपको टोयोटा रूमियन 7-सीटर में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाए। और मॉडल्स की भी बात कर लेते हैं, तो आप जैसा जानते हैं कि भाई मारुति में आपको LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस आते हैं, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से केवल और केवल 3 रेंज ही होने वाली है। मे बी LXi, VXi और ZXi प्लस आ जाए, वरना आपका VXi से इस गाड़ी में बेस मॉडल की ही शुरुआत होने वाली है। तो और भी चीज़ें की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स इस बार न्यू देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया भाई, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स अब की बार मारुति ने नया बनाया है। तो होपफुली आपको द ऑल न्यू टोयोटा रूमियन में भी मारुति का ही नया गेयरबॉक्स देखने को मिले। दोस्तों सारी चीज़ें सेम है। इस गाड़ी के आने से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, जो आप लोग वेटिंग के लिए थोड़ा सा परेशान है, आप लोग के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है कि भाई टोयोटा के शोरूम्स में जब आपको मिल जाएगी तो आपको आराम से ये अवेलेबल भी हो पाएगी। तो अब बात करते हैं भाई इसकी लॉन्च डेट कब तक होगी। तो होपफुली आपको जो है मेरे हिसाब से भाई अप्रैल में ही गाड़ी देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल जानी चाहिए। हालांकि कुछ जो रूमर्स हैं वो इस गाड़ी के अगस्त तक के भी हैं कि अगस्त 2022 में आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो पाएगी, लेकिन हम थोड़ा सा आपकी जो कंफर्मेशन है वो और कंफर्म कर देते हैं भाई, केवल आपको अप्रैल में ही गाड़ी आराम से लॉन्च होते हुए ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है भाई, इस गाड़ी में आपको जो अलॉय व्हील्स वगैरह हैं वो आपको पुराने मॉडल की ही शायद देखने को मिले, और लेकिन गेयरबॉक्स वगैरह आपको चेंज हुआ मिलेगा। CNG वेरिएंट आपको टोयोटा रूमियन में कतई नहीं मिलने वाला। और जो प्राइसेस रहेंगी भाई, मारुति से करीब करीब 10,000 से 15,000 रुपये का ही डिफरेंस रहने वाला है, वो तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई टोयोटा जो है एक अच्छा ब्रांड है और 5 साल 1 लाख किलोमीटर की आपको इस गाड़ी में वारंटी भी मिलेगी। तो गाइज आप देख सकते हो कैसी रहने वाली है आपकी द ऑल न्यू टोयोटा रूमियन। अगर आपको एक गाड़ी लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है विद टोयोटा की बैजिंग, तो भाई हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए इससे एक रिलेटेड लाइव वीडियो भी लेके आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी हाल है कि इसकी जो इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुकी है अभी जस्ट फ्यू मंथ्स अगो, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, ये इंडोनेशिया की व्हीकल है जो टोयोटा बैजिंग के साथ आपको मिलती है। डीजल इंजन का आने का कोई भी यहाँ पे चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो भाई जो बैलेनो और आपकी जो विटारा ब्रेजा है उसमें आपको गेयरबॉक्स डीजल इंजन का नहीं देखने को मिलता है, तो अर्टिगा में भी आपको डीजल का ऑप्शन तो भाई कतई नहीं मिलने वाला। केवल यहाँ पे बस टोयोटा की बैजिंग लग जाती है जो आप देख रहे हो, और पीछे अच्छे से टोयोटा रूमियन लिखा हुआ है। बाकी ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल वगैरह सब सेम है, और जो फ्रंट की ग्रिल है बस हल्का सा वहीं पे चेंजेस है, बाकी बम्पर पार्ट्स वगैरह भाई सब कुछ सेम है यहाँ पे मारुति ने।
टोयोटा की बस बैजिंग लगा के आपको देने का काफ़ी अच्छा एक निर्णय लिया है और होपफुली आपको बहुत ही जल्दी एक गाड़ी आराम से भाई मिलने को मिल जाएगी। तो गाइज ये था हमारा एक शॉर्ट सा वीडियो रिगार्डिंग द टोयोटा रूमियन। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल PS मोटो ताकि हम आपके लिए और ऐसी डिटेल्स और भी लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।